अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का दिन है और आप देख लीजिए मेरी हालत इस समय गंभीर है और मैं इस समय हॉस्पिटल के अंदर हूँ। मुझे मारा गया है, मुझे खून है, मेरे चाकू मुझे मारा गया है। और मैं सच बताऊं तो हमारे किराड़ी दिल्ली के अंदर जिस एरिया में मैं रहता हूं, उस एरिया के अंदर धड़ल्ले से अवैध दारू बेची जा रही है। अवैध दारू बेचे जाने के खिलाफ मैं वहां पर जाता हूं, वहां पर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़की कॉल करती है और मैं वहां पर पहुंचता हूं। ये तमाम अवैध दारू बेचने वाले मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं, मुझे मारा जाता है और मैं 100 नंबर कॉल करता हूँ, लेकिन अभी पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। मैं हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ, वो लड़की भी मेरे साथ है जिसके साथ छेड़खानी हुई। और मैं आपका भाई, देखिए आप दिखा सकता हूँ, मेरे को चाकू से वार किया गया है। मैं इस वक्त पूरा चोट से भरा हुआ हूँ। इस वक्त 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है और मेरे साथ वो कहते हैं बीजेपी सरकार है तो कुछ भी हो सकता है, इस बात की कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इस एरिया के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, मैं अवैध दारू नहीं बिकने दूंगा। अवैध दारू जो जिससे लोगों की जान जा रही है, जिससे लोग मर रहे हैं, चाहे वो किसी भी छुट्टी का दिन हो, कुछ भी हो, मैं आपके सामने इस वक्त मुझे कोई शर्म नहीं आ रही आपके सामने आते हुए। और मेरे साथ इस समय पुलिस का भी दुर्व्यवहार हो सकता है, क्योंकि अवैध दारू बेचने वाले उन्हें पैसे देते हैं और अवैध दारू बेचने वाले पैसे देते हैं। क्या पता पुलिस मेरे ही खिलाफ़ कार्रवाई कर दे। मैं इसके खिलाफ अभी बोल देना चाहता हूं, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूं, संजय गांधी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल यहां पर खड़ा है। और मैं फिर आपको बोल देना चाहता हूं, कल को कोई भी कार्रवाई मेरे साथ हो सकती है, मुझे बंद कर दिया जा सकता है, मेरे खिलाफ गैर कानूनी मुकदमे लगा सकते हैं, पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। मोदी सरकार है और फिर तो आपको पता है कि मेरी आजकल मोदी सरकार क्या कर रही है। अवैध दारू, छोटे छोटे बच्चे दारू खरीद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, वहाँ से गांजा सिगरेट, गांजा दम समेक, पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ धड़ल्ले से बिक रही है। अगर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना नाजायज़ है तो मैं आपका भाई, देखिए 15 अगस्त का दिन है, देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के दिन भी आज धड़ल्ले से दारू बिक रही है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ नहीं कर सकती। कल को पुलिस मुझ पर कोई भी एक्शन ले सकती है। मेरा देखिए सर फटा हुआ है इस वक्त, मेरे को काफ़ी चोट है, सर पे भी चाकू से वार हुआ है और ये पेट पे भी चाकू से वार हुआ है। और आप तमाम लोगों से और मैं अपने चाहने वालों से बोल रहा हूँ, कल को अगर मेरे साथ कोई नाजायज़ हरकत होती है, प्रशासन मेरे खिलाफ़ गलत एक्शन लेती है, तो ये वीडियो आपके पास है, आप इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बंद कर देंगे, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता किसी के आगे, मैं प्रशासन के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा कि मैं गलत हूँ। हाँ, अगर गलत होगा तो नसीम सिद्दीकी आवाज़ उठाएगा। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मेरे भाई, कि मेरे साथ गलत हुआ है, प्रशासन अगर मेरा साथ नहीं देती है, क्योंकि वो लोग जो क्रिमिनलाइज हैं, आपको पता है औरंगाबाद शहर के अंदर भी ऐसे ही दारूबाज थे, जो इम्तियाज़ जलील साहब ने उन लोगों के नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, ऐसे ही मैं नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये लोग मेरे साथ चोट करते हैं, ये लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे सर पे वार करते हैं, मुझे चाकू मारते हैं और धड़ल्ले से ये लोग गलत पॉइंट पर, गलत जगह पर, और प्रशासन इनके साथ है। मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूँ, मेरी MLC नहीं की गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा चाकू मार रखा है, पूरी तरीके से मुझे चाकू मार रखा है और ये लोग तमाम लोग इनके साथ हैं। कल को प्रशासन मेरे खिलाफ़ कुछ भी कार्रवाई कर सकती है, बीजेपी की हुकूमत है, कुछ भी हो सकता है, और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से तहे दिल से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, कल को अगर मैं बंद हो जाऊँ या मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई हो तो आपके बीच में बात ज़रूर हो। नसीम सिद्दीकी बंद भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में, मुझे बंद होने की कोई परवाह नहीं है। आप देख लीजिए ये हालात हिंदुस्तान के, और मैं फिर कह रहा हूँ कि किराड़ी के अंदर अवैध दारू नहीं बिकेगी।
जितने दारू बेचने वाले हैं मैं उनसे चेतावनी दे रहा हूँ कि नसीम सिद्दीकी जितने दारू बेचने वाले हैं मैं उनको फिर से अपील कर रहा हूँ कि अब किराड़ी में दारू बिकेगी, मैं अपनी आत्मदाह कर लूँगा, मैं चौराहे पे लटक सकता हूँ लेकिन किराड़ी विधानसभा के अंदर और ख़ासकर मेरी दीवा विधानसभा के अंदर नाजायज अवैध दारू नहीं बिक सकती। और मैं फुल्ली चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर कल को दारू बिकती है तो इसके खिलाफ प्रशासन हो, DCP साहब, ACP साहब, कमिश्नर साहब, सबसे अपील कर रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी किराड़ी में अवैध दारू बिक रही है। और चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने भी त्यौहार हैं तमाम त्यौहार पर धड़ल्ले से दारू बिकी जा रही है और ये गलत है और बच्चे बिगड़ रहे हैं, न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर कल को मेरे साथ ये प्रशासन कोई भी कार्रवाई करती है तो मैं आपके सामने हूँ, आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। नसीम सिद्दीकी, देखिए मेरे को चोट लगी हुई है, मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ कि मेरे को बढ़िया चोट लग रखी है, लेकिन मैं डरा नहीं घबराया नहीं इन जालिमों से डरने वाला नहीं है आपका भाई। चाकू मार रखा है मेरे। नसीम सिद्दीकी, किराड़ी जनाब, मेरा इलाज नहीं हो रहा यार, वो आप फोन में ला रहे कि जनाब मैं बता तो रहा हूँ कि कल को कोई बोला है अवैध दारू बिक रही है, मैं अभी पब्लिक को थोड़ा बता दो कि मैं जानी साथ तो ये पुलिस भी आ चुकी है, अब इलाज की बात हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मेरा इलाज हो रहा है, कल को मुझे बंद कर दिया जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नसीम सिद्दीकी रोड पर सड़कों पर बैठकर धड़ल्ले से दारू नहीं बिकने दूंगा। दारू बिक रहे हैं मंगलपुरी में भी, धड़ल्ले से दारू नहीं बिक रही है। और ये लड़की है और मैं आपको बता, इस लड़की के साथ बदतमीजी की गई और मैं आवाज पहुंची बताओ जी मेरे साथ। मेरे को कोई पुलिस वाले का कुछ नहीं आया, मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं कॉल करे हुए, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे यहाँ सर पे डंडा मारा गया, मेरी कमर पूरी फटी पड़ी है और ये धड़ल्ले से दारू बेच रहे हैं, उसके बाद भी दारू और फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। आप देख लीजिए ये लड़की है और उसके बाद इसके साथ बदतमीजी की। रक्षाबंधन का दिन है, लोग रक्षाबंधन के दिन बहन की इज्जत की हिफाजत करने की कसम खाते, लेकिन ये सासी जो दारू बेचते हैं बहनों की इज्जत नहीं जानते। काय का रक्षाबंधन और काय का स्वतंत्र देश। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर कल से किराड़ी में दारू बिकी मैं बंद हो जाऊंगा, छूट कर आऊंगा, मैं आत्मदाह करूंगा और प्रशासन से स्पेशली कह रहा हूँ मुझे बंद कर देना, मैं मरने को मंजूर हूँ लेकिन किराड़ी विधानसभा में और जहां भी अगर ये फ्रॉडबाजी होगी, ये दारू बिकेगी, मैं वहां पर दारू नहीं बिक, क्योंकि ये सासी जो पैसे दे के न जाने कितनी जिंदगियां खराब कर चुके हैं, कल को मेरे साथ हो जाए। और मुझे पता है, मालूम है कि हिंदुस्तान की आवाम जानती है नसीम सिद्दीकी आपके सामने खड़ा है, मैंने आपको लड़की कह दी और ये मेरे साथ मेरे सारे भाई खड़े हैं, इनको मालूम है और ये मेरे साथ होंगे कि कल को किराड़ी विधानसभा में दारू बिकी चाहे किसी भी प्रकार का जुल्म हो मैं खड़ा हूँगा। मुझे बंद कर दिया जा सकता है क्योंकि प्रशासन धड़ल्ले से दारू अपने आप नहीं बिकती मेरे भाई, दारू के लिए पैसे जाते हैं और अगर उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे चाकू मारा जाता है, डंडे मारे जाते हैं, मैं मरने से नहीं डरता। और मैंने आपको पहले भी कहा था मरना मंजूर है, लेकिन सासियों सुन लो, अगर तुमने दारू बेचा तो नसीम सिद्दीकी रोड पर बैठकर जान दे देगा और प्रशासन की ताकत देखता हूँ, या तो मैं मरूंगा या किराड़ी विधानसभा से दारू बंद होगी। और किराड़ी क्या, जहां जहां दारू बंद कराना होगा मैं जाऊंगा वहां पर। और सुन लो, मारो कितनी मौतें मारोगे, डंडे चाकुओं से डरने वाले नहीं है बे, अल्लाह ने इज्जत दी है और ये मौत और ये तो सब कुछ है। और सुन लो, तमाम भाइयों से अपील कर रहा हूँ, अगर कल प्रशासन मुझे बंद कर दे कोई पता नहीं, क्योंकि सासियाँ मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ लुगाइयों को आगे कर देती हैं, कोई नहीं करने दो, आप मेरे साथ हो, कल आऊँगा छूटकर, बंद कर देंगे तो भी मैं आपके साथ हूँ। और इस लड़की के साथ अगर ना इंसाफी हुई मैं फिर दिखा रहा हूँ, अगर इसके ये लड़की है जिसके साथ बदतमीजी की गई, वहाँ दारू बिक रहा था, इसका घर है उस गली में, अगर इस लड़की के साथ कोई अगर किसी ने भी अगर इसका साथ नहीं दिया तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि रोड के ऊपर या तो मैं मरूंगा या प्रशासन उन सासियों की दारू बंद कराएगी, अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए किराड़ी के अंदर। और आप तमाम लोगों को फिर से दुआओं की गुजारिश, आपका भाई है, चोट लगी हुई है, दे लीजिए, ये देख लीजिए, चाकू से डंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग साथ हो। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे UP हो, आप तमाम लोग मेरी आवाज़ उठाओगे। मुंबई से लेकर तमाम अपने चाहने वालों से अपील कर रहा हूँ, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, कलकत्ता, UP, कर्नाटक, तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपके भाई के साथ कल को कुछ भी हो सकता है और आप मेरी आवाज़ उठाओगे। अल्लाह हाफिज़। और इसी बात से आप सभी से अलविदा लेता हूँ कि कल को कोई बात होगी तो
तो मैं सामने आऊंगा, छुपा भी दिया जाएगा तो सामने आऊंगा, आप मेरी आवाज बनोगे। अल्लाह हाफिज़।